नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में आप से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी तरह से दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे, हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए हैं और आम आदमी पार्टी से सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए, इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टी और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। ये निर्णय आपने नहीं बल्कि यहां की जनता ने लिया है। तो बता दें, उत्तराखंड में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जमीन तलाशती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है और इसीलिए सीएम पद के लिए चेहरे का ऐलान भी कर दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सीएम पद के चेहरे का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल देहरादून पहुंचे थे और उसके देहरादून पहुंचने के बाद ही दो बड़ी घोषणाएं उन्होंने उत्तराखंड के लिए की है, जिसमें सबसे पहली जो घोषणा थी वो अपना उत्तराखंड का आम आदमी का जो चेहरा होगा 2022 चुनाव के लिए, यानी कि जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी से उत्तराखंड के लिए, उनका चेहरा उन्होंने घोषित किया और कर्नल अजय कोठियाल का जो नाम है वो आम आदमी पार्टी ने फाइनल कर दिया है उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए। यानी कि कहा जा सकता है कि 2022 का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में, वो कर्नल अजय कोठियाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये बात तो बिल्कुल साफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कर दिया है। लेकिन वहीं अगर दूसरी घोषणा की बात की जाए तो कुल मिला के हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है और यही वजह है कि जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो उत्तराखंड के दूर दराज के धार्मिक स्थल हों या फिर मैदानी क्षेत्र ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कुमाऊं मंडल के जो धार्मिक स्थल हों, उनको एक भव्य रूप देने की कोशिश की है, एक स्थान देने की कोशिश की है। और ये कहा है कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो वो इन मंदिरों को स्थापित करेगी, बड़े स्तर पर चलाएगी और देश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम बड़े स्तर पर इन मंदिरों के जरिए लिया जाएगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इससे पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे थे, उत्तराखंड की जनता के लिए उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने चेहरा घोषित कर दिया और ये कहा जा सकता है कि लगभग 6 महीने का समय अब कुल चुनाव के लिए बचा है, तो चुनाव से पहले जो बिगुल बजता है पार्टियों का उसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सुभाष, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लगातार देखिए सीएम चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, लगातार वो उत्तराखंड की जनता को फ्री बिजली देने का वादा तो करते हैं, लेकिन मुद्दे और क्या क्या होने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा आम आदमी पार्टी का था वो दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में स्थापित करने का था। चाहे उसमें बात कर ली जाए मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा हो और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है उत्तराखंड में उसको सुधारने की बात की गई और कुल मिला के कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उत्तराखंड के पहाड़ों तक भी सभी बेहतर अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा, तमाम जो सुविधा पहाड़ के लोगों को नहीं मिल पाती है स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको पूरा किया जाएगा, और क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत सबसे अधिक पहाड़ों में है तो इन सब मूलभूत सुविधाओं को देने की बात आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में की है और यही बड़े मुद्दे और एजेंडा आम आदमी पार्टी का 2022 चुनाव में रहेगा कि वो उत्तराखंड की जनता पर अपना जो प्रभाव है वो इन मुद्दों को लेकर पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती, ये भी
अब 2022 के जो चुनाव है उसके निर्णयों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत है वो बेहद अच्छी हो गई, और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही जो तैयारियां हैं वो दिखा दी हैं, और इसके साथ ही सीएम चेहरा जो घोषित किया है वो भी ये बताता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल सुभाष, लेकिन जिस तरह से आपने अभी पहले कहा था कि हिंदुओं को साधने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, और यही कोशिश यूपी में भी होती हुई नजर आ रही है। यूपी में भी ब्राह्मणों को लुभाने की लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल भी यानी कि जाति और धर्म के नाम पर भी वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वे बेहद अलग है। खास तौर से अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ में उस तरीके का रोजगार लोगों को नहीं मिल पाता है, उस तरीके का शिक्षा व्यवस्था उन लोगों को नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है, और यही वजह है कि लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, यहाँ लोग बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड के लोग काम करते हैं। इसकी मुख्य वजह ही यही है कि प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और इसी वजह से जो लोग हैं वो पलायन करते हुए भी नजर आते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति में बेहद अंतर नजर आता है। जी जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में भी अब आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है, और कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीएम पद के लिए चेहरे की घोषणा कर दी है और कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार बताया है। और ऐसे में लगातार तमाम वादे उत्तराखंड की जनता से आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यूपी में आए दिन घूस लेने के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। इस पर कभी शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है तो कभी मामला ऐसे ही चलता रहता है। इसी के चलते बड़े बड़े आला अधिकारी की नाक के नीचे ही ये घूसखोरी का कारनामा चलता रहता है। फर्क बस इतना है कि कोई नजर में आ जाता है तो कोई नजरों से बच जाता है। ऐसे में आम जनता इन सब के बीच बच पिसती हुई नजर आती है। जी हाँ, ताजा मामला फतेहपुर का है, जहां पर पीड़ित से मृतक का प्रमाण पत्र और कागजों में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल रामदास अवस्थी ने रिश्वत ली, और बताया जा रहा है कि घूस लेने वाले लेखपाल लालीपुर गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल इन सब के बाद देखना यह है कि इसके बाद क्या ऐसे रिश्वतखोरों पर लगाम कसने के लिए शासन या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं। तो बता दें, लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो ये वायरल हो रहा है। वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लेखपाल रिश्वत ले रहा है, और ऐसे में किसी ने वीडियो बना लिया। हालांकि ये जो रिश्वत ली गई है वो पीड़ित से ली गई है, और मृतक का प्रमाण पत्र और कागजों में रिपोर्ट लगाने के नाम पर ली गई है, और लेखपाल का नाम रामदास अवस्थी बताया जा रहा है जिन्होंने रिश्वत ली है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया हो, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो बता दें, ये लेखपाल का मामला था जहां पर लेखपाल ने रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा था। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। कानपुर में जूही थाने में व्यापारियों की तरफ से आयोजित पुलिस सम्मान समारोह में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां पर कई जघन्य अपराध में अभियुक्त नारायण सिंह भदौरिया ने थाने के अंदर डीसीपी रवीना के सामने एसीपी आलोक सिंह का सम्मान किया। आपको बता दें कि पुलिस कस्टडी से इनामी हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में नारायण सिंह का नाम सुर्खियों में आया था। वहीं इस डीसीपी के सामने अपराधी से सम्मान करवाते एसीपी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो बता दें, अपराधी ने एसीपी का सम्मान किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि व्यापारियों की तरफ से एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से ये वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बता देते हैं कि जिससे अपराधी ने
एसीपी का सम्मान किया है। कस्टडी से वो इनामी हिस्ट्री शीटर था और भागने के मामले में नारायण सिंह का नाम काफी सुर्खियों में भी आया था और उसी को डीसीपी के सामने उसने ही एसीपी को सम्मानित किया, जिसके बाद अब ये वीडियो काफी सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार ये वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। कानपुर का ये मामला है, थाना जूही का, जहां पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और वहां पर एक अपराधी से एसीपी का सम्मान कराया गया और उसके बाद से तमाम सवाल प्रशासन पर उठने लाजमी हैं और उठ भी रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक अपराधी ही एसीपी का सम्मान करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पारुल, जिस तरह से एक अपराधी जो है एक एसीपी का सम्मान कर रहा है, उसके बगल में डीसीपी मैडम खड़ी हुई है जिनका नाम रवीना त्यागी है और उनके नेतृत्व में ही ये सम्मान समारोह का आयोजन पूरी तरह से हुआ था। व्यापारी वर्ग ने इसका आयोजन किया था, लेकिन ये नारायण सिंह भदौरिया जो अपराधी है जिसने जो एसीपी का सम्मान किया है, ये कुछ दिन पहले पुलिस की गिरफ्त से एक इनामी हिस्ट्री टीचर को भगाने का दोषी है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और खूब मामला चर्चा में रहा था। और यानी नारायण सिंह भदौरिया से सम्मान कराना और उसको थाने पर बुलाना, अपने सीट के बगल में बैठालना, अपने आप में जाहिर करता है कि यूपी पुलिस का काम बिना अपराधियों के चलने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जी, लेकिन आशीष, जिस तरह से ये अपराधी से एसीपी का सम्मान कराया गया है, सवाल उठना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि अगर इसी तरह से अपराधियों से सम्मान कराया जाएगा एसीपी या फिर किसी और अधिकारी का, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री शीटर अपराधी जो हैं या कोई और लेवल के जो अपराधी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये हौसले जो हैं उनके बुलंद होंगे अगर इसी तरह से उनसे ये सम्मान दिलाया जाएगा। का बिकरू कांड था जिसमें विकास दुबे का नाम जो है चर्चाओं में आया था और विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेश किया था कि किसी भी पुलिस कर्मी के आसपास कोई भी अपराधी या किसी भी कार्यक्रम में कोई अपराधी व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन कानपुर कमिश्नरेट पुलिस उससे अलग हटकर काम कर रही है, अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रही है। अपराधी उसके कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, अपराधी उनके माल्यार्पण में दिखाई देते हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कुछ कहते रहे, बिल्कुल। और आशीष, ये सब तब हो रहा है जब शासन की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यही बात कही जा रही है कि जब मुख्यमंत्री इस बात का साफ तौर पर आदेश दे चुके हैं कि कोई भी अपराधी थाने के कार्यक्रम के आसपास या किसी भी अधिकारी के आसपास न दिखाई दे, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आना, उसके साथ मंच साझा कर उसको कुर्सियों में बैठाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी रवीना त्यागी ने जो सफाई दी है वो भी काबिल तारीफ कही जाएगी, क्योंकि उसकी उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल भी विजुअल से मैच नहीं कर रही। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि डीसीपी रवीना त्यागी साफ तौर पर झूठ बोलती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, कानपुर के थाना जूही का ये पूरा मामला है जहां पर व्यापारियों की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और ऐसे में एसीपी को सम्मानित किया गया और लेकिन जो सम्मानित कर रहा था वो एक अपराधी है और ऐसे में अब ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आ गया है और ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुरूपक बजट पेश करने वाले हैं। बता दें, इसे अगले 6 महीने में पूरा होने वाले अधूरे प्रोजेक्ट्स और यथासंभव अधूरे वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट बंदोबस्त तक केंद्रित रखने की संभावना है। ऐसे में खजाने की माली हालत को देखते हुए इस बजट का आकार 10,000 करोड़ के आसपास सिमट सकता है और इस बार अंतिम फैसला आज सुबह हुई कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में ले लिया गया है। बता दें, सूत्रों ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासकीय विभागों ने कई नई योजनाओं, पूर्व की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की थी और इसके लिए करीब 35,000 करोड़ के बजट के प्रस्ताव भी तैयार किए गए थे, लेकिन उच्च स्तर पर चर्चा के बाद वित्तीय अनुशासन पर
सख्ती से अमल के साथ ऐसे प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी जो विधानसभा चुनाव से पहले पूरी या क्रियान्वित हो सके। ऐसे में अनुरूपक में 6 महीने में पूरे होने वाले एक्सप्रेस के लिए आवश्यक बजट बंदोबस्त के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए गाजीपुर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान हो सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका ऐलान इस अनुरूपक बजट में किया जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी है। रूबी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बजट पेश होने वाला है वित्तीय वर्ष 2021-22 का, क्या क्या खास होने वाला है इस बजट में? सबसे पहले पारुल बता दूं कि शुरुआत तो होते ही हंगामा शुरू हो गया और 40 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे के तकरीबन टाइम फिक्स किया गया कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है वो अनुपूरक बजट पेश करेंगे। माना ये जा रहा है ये मिनी बजट में कई ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी जिनके लिए विशेष प्रावधान देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वाराणसी हो, काशी हो, विश्वनाथ हो, हॉलीवुड के साथ साथ गोरखपुर और अयोध्या के विकास के लिए भी कई अच्छे खासे धनराशि का प्रावधान हो सकता है। कई योजनाओं को मिल सकती है आज हरी झंडी, यानी कि रफ्तार पकड़ सकती है क्योंकि इनके पास वक्त कम है और उन अधूरे योजनाओं को उनको पूरा करना है। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो या डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि मिशन शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ावा के लिए भी कई पैसे तैयार किए जा सकते हैं। बिल्कुल रूबी, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ज्यादा जरूरत जो है वो करने की है सरकार को, ऐसे में इन तीनों उसके लिए क्या कुछ होने वाला है? कल ही मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने जब रूबरू हुए तो उन्होंने संकेत दे दिए थे कि स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा हो या विकास हो, हमारा पहले से भी एजेंडा यही रहा है, हमारी सरकार का भी पहले से यही एजेंडा रहा है और हम इस पर काम करते लगातार आ रहे हैं। लेकिन आज जो है पिटारे से जब खुलेगा, यानी कि जब दिन बाहर निकल के आएगा तो देखने लायक होगा कि क्या वाकई में इन्होंने जो तैयारी की थी उसके अनुरूप ही बजट तैयारी की गई थी या फिर ऐसे कई योजनाएं हैं जो अधूरे छूट जाएंगे। मिनी बजट जरूर माना जा रहा है लेकिन इंतजार इसी बात का है कि वाकई में क्या जो बजट होगा वो जनता के लिए खासतौर से तोहफा होगा या नहीं होगा। फारूक जी, बिल्कुल रूबी, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कई एक्सप्रेस वे का जो है काम वो अधूरा रह गया था, उसके लिए भी कुछ खास बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, खास तैयारी की गई थी इसी तौर को लेकर क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो या फिर ये कहते थे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, गोरखपुर लिंक हो या एक्सप्रेस प्रोजेक्ट को खास ध्यान रखा गया है क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही थी, इन जगहों को एक लिस्ट तैयार की गई थी कि हमें जो एक्सप्रेस है उनको खास तौर से इंतजाम हमें ऐसा करना चाहिए जो लोगों के लिए आवाजाही जो रास्ता होता है उसके लिए फायदा मिल सके, क्योंकि आगरा एक्सप्रेस को देखते हुए उन्होंने ये तर्ज यानी कि एक मैप तैयार करवाया था। आज माना यही जा रहा है कि योजनाओं को आज हरी झंडी दी जा सकती है, यानी कि रफ्तार बहुत तेजी से इसको बढ़ाना होगा। विपक्ष ने हमला भले ही बोल दिया हो लेकिन जो सरकार है फुल मूड में है कि अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी और 12 बजे अंदाजा यही है कि 12 बजे सुरेश खन्ना वित्त मंत्री है वो बजट पेश कर देंगे। जी बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं बता दें कि आज सुबह जो है वो बैठक भी की गई थी, उसके बारे में कोई क्या कुछ जानकारी है कि उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? देखिए जो बैठक होती है उनकी एक सामूहिक बैठक होती है, उनके इसमें सारे विधायक बैठे होते हैं जिसके ऊपर चर्चा होती है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है। इसके बाद ही आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि आखिरकार उस बैठक के मतलब क्या रहा और वो बैठक का जो अंदर बातें निकल के आएंगी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी बताया जाएगा। जी रूबी, बस ये आखिरी सवाल, क्या महिलाओं के लिए कुछ खास होने वाला है इस बजट में? देखिए इन्होंने कल ही बोला था कि मिशन शक्ति ग्रामीण महिला क्षेत्रों में जो लघु उद्योग है उस पर वो ज्यादा जोर देंगे। हालांकि उद्योगों से लेकर उन्होंने एक पहले से भी योजनाएं यहाँ पर दे रखी थी कि महिलाएं अपने घर से जुड़ के काम कर सके, जैसे कि जो बेसन बनाना या फिर रेवड़ी बनाना या फिर ये कह सकते हैं छोटे मोटे जो लघु उद्योग होते हैं उसके लिए उनको लोन की भी सहायता मिल सके, तो सरकार की तरफ से ये पहले से इंतजाम कर दिया गया था। लेकिन अब इस बजट में महिला को लेकर या खासतौर से बेटियों को लेकर उन्होंने क्या ऐसे योजनाएं तैयार की गई है ये थोड़ा ही देर के बाद पता लग जाएगा कि वाकई में योगी सरकार महिलाओं को लेकर या फिर कह सकते विकास को लेकर संवेदनशील से या नहीं।
जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल से यूपी में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में आज पहला अनुरूपक बजट वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं 12 बजे। कई अहम जो हैं वो उम्मीद जताई जा रही है कि कई अहम प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगेगी और बजट जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जनता के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। ऐसे में आज सुबह बैठक भी की गई थी जिसमें चर्चा की गई थी कि बजट को किस तरह से पेश किया जाना है और किस क्षेत्र में क्या कुछ देना है उसको लेकर पहले भी चर्चा हुई थी, आज सुबह भी बैठक में चर्चा की गई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है बाजारों में रौनक छाने लगी है। हरदोई में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ दुकानें राखियों से सज गई हैं, लेकिन खरीदार अभी नदारद हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के चलते राखियों की कीमतों में भी इस बार 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। रक्षाबंधन के चलते अभी से ही बाजार में कई तरह की राखियां आ गई हैं और ऐसे में लेकिन अभी भी दुकानदारों की शिकायत है कि बढ़ती महंगाई की वजह से दुकान पे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए राखियां जो दुकानदार लाए हुए हैं वो अभी ऐसी की ऐसी ही उनकी दुकानों पर रखी हुई हैं। पहले साल से साल बिक्री कम है लॉकडाउन की वजह से और हर साल बिक्री जितनी होती थी उससे आधी संभाल रहे समय है, माल भी नहीं समय आ पा रहा जिस हिसाब से पहले पिछले माल आता था। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, इस साल भी रहा, तो 2 सालों से बहुत कम बिक्री है और ग्राहक ही कम है, पैसे ही कम है, माल भी नया नहीं आ रहा है। तो 7-8 साल हो गया लगाते हैं तो राखी की और ठीक रहती है दुकानदारी, लेकिन इस बार कोरोना का अभाव है उसके कारण दुकानदारी जो है बहुत हल्की है। 2-3 दिन में जो बिकेगा वो बिकेगा दुकान पर, बाकी नए आइटम में वही बच्चों की खिलौने ही बदलते हैं, राखियों का पैटर्न वही रहता है, कभी जरी बिकती है तो कभी भगवान की भी बिकने लगती है। उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरी लूट हत्या जैसी तमाम घटनाएं होती हैं, वहीं इस पर बदमाशों को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। ये बदमाश दिन दहाड़े चोरी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। वहीं ताजा मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर से सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट से सोने की अंगूठियों का डब्बा लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि डब्बे में 12 अंगूठियां थी जिनकी कीमत लाखों रुपए की थी। वहीं पुलिस बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस एक बार फिर से युवक की बेरहमी से पिटाई करने का पुलिस पर आरोप लगा है। बता दें शाहपुर थाना क्षेत्र की चौकी हरसौली में पुलिस ने खेत से मिट्टी ला रहे सलीम नाम के युवक को पहले तो हिरासत में लिया और बाद में उसके साथ मारपीट की। मारपीट की वजह से युवक की हालत खराब हो गई। वहीं आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुजफ्फरनगर रोड पर जाम लगा दिया, आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को और ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम भी खुलवाया। इसी के साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम को खोला। वहीं पुलिस के बाद बता दें राहत की सांस ली, लेकिन ये शाहपुर पुलिस का कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी हरसौली चौकी से एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जांच के बाद चौकी प्रभारी और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से शाहपुर पुलिस युवक को की पिटाई को लेकर चर्चाओं में आ गई है और अब देखना होगा कि कार्रवाई आरोपी पुलिसकर्मियों पर की जाती है या फिर ये कार्रवाई पुलिस के आश्वासन तक ही सीमित रह जाती है। भाई छोटा भाई खेत इकसार कर रहा था, जो उसमें फालतू मिट्टी थी उसे उठा के दूसरी जगह गिर रहा था, तो चौकी वाले गए, पहले तो 100 नंबर गए, 100 नंबर वालों को किसी ने झूठी सूचना कर दी दारू दूर पीने वालों ने, तो ये गए ये कह ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं तुम अपना काम कर लो, ये तो आ गए 100 नंबर वाले, गए चौकी वाले, इन्होंने जाकर उसके लठ लुट मारे, पहले तो फिर मान तलिया जाकर यहाँ भित्तर चौकी में बंद करके उसका नाड़का मणिया तोड़ दिया इन्होंने, उसका गला भी घोट रखा। सूचना प्राप्त हुई 1124
देखिए कोई ट्रैक्टर से मिट्टी लेके जा रहा है, इस पे एक चौकी का सिपाही है पवन शर्मा, उसके द्वारा कुछ थप्पड़ या थप्पड़ कुछ उसके मार दिया गर्दन पे, जिससे उसके चोट आ गई और मूर्छित हो गया। उस पर रुष्ट पब्लिक ने जाम लगा दिया। पब्लिक को आके समझाया गया कि इसमें जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक और जो सम्मानित लोग थे वो मान गए हैं और जाम खुल गया है, स्थिति नियंत्रण में। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। पूरे अफगानिस्तान में अब तालिबानियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में रहने वाले लोग वहां से निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में विदेशों से आकर अफगानिस्तान में बसे लोग भी वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच बुलंदशहर का रहने वाला एक भारतीय नागरिक काबुल में फंसा हुआ है। युवक ने एक वीडियो के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे भारत सरकार की तरफ से वहां से निकाल लिया जाए, जिसके बाद युवक के परिजनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि किसी भी तरह युवक को भारत में उसकी वापसी कराई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।